देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ। पंचायत प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष चुनाव में चूक जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को परोक्ष चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल हुई है। आंकड़े तो ऐसा ही कहते हैं। जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद जगह जगह हिंसक घटनाओं के बीच बीजेपी अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। 2022 में चुनाव मैदान में उतरने जा रहे योगी आदित्यनाथ के लिए भला और अब क्या चाहिए। ऊपर से नीचे तक बधाइयों का तांता लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर जगह जगह स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, वे कोई अच्छे संकेत तो नहीं दे रहे, ऐसा समझा जा सकता है। चुनावी जीत के जश्न के बीच विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें दो बच्चों की नीति पर खास जोर है। ये पॉलिसी मानने वालों के लिए कई तरह की सुख सुविधाओं के प्रावधान किए गए हैं और ना मानने वालों को ना सिर्फ नियमित तौर पर नुकसान होंगे, बल्कि अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं या निकायों के प्रतिनिधि हैं तो दंड स्वरूप खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को चुनावों के ऐन वक्त या ऐन पहले ये सब करने की क्या जरूरत आ पड़ी। ये कोई ऐसा भी काम नहीं जो देश में पहली बार हो रहा हो, और वैसे भी अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है जिस पर 19 जुलाई तक लोगों से फीडबैक मांगा जा रहा है। बेशक जनसंख्या वृद्धि समाज और देश की समृद्धि के लिए नुकसानदेह है, और जैसे मोटापे की वजह से इंसान तमाम बीमारियों का शिकार होता है, आबादी की बाढ़ भी भारी पड़ती है। अब अगर कानून बनाकर मोटापे को काबू नहीं किया जा सकता तो भला आबादी में इजाफे को आपराधिक शक्ल देने से भला क्या हासिल हो सकता है। चीन में तो जनसंख्या कंट्रोल के कई प्रयोग किए गए और आबादी पर नियंत्रण भी हासिल हो गया, लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या कम नुकसानदेह साबित हुए। देश में लागू इमरजेंसी के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सख्ती से नसबंदी लागू करने का क्या असर रहा सबने देखा ही है, और जिस तरह की पॉलिसी लागू करने के बारे में योगी आदित्यनाथ की योजना है देश के कई राज्यों में पहले से ही लागू है, लेकिन कोई खास असर देखा गया हो ऐसा तो नहीं हुआ है। योगी आदित्यनाथ जनसंख्या वृद्धि को सीधे सीधे गरीबी से जोड़कर पेश कर रहे हैं। गरीबी चुनावी राजनीति के लिए बरसों से पुराना आजमाया हुआ नुस्खा रहा है। साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नीति 2021-2030 को सभी समुदायों को ध्यान में रखकर तैयार किया है। ट्विटर पर योगी सरकार की तरफ से लिखा भी गया है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 का संबंध प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली व समृद्धि लाने से है। गरीबी व जनसंख्या वृद्धि में संबंध होता है। बताते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर 2.9 है और यूपी सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 तक लाने की है। प्रजनन दर दरअसल हर महिला के प्रजनन काल में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या होती है, और समझा जाता है कि अगर प्रजनन दर 2.1 रहे तो जनसंख्या स्थिर हो सकती है। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए ऐसी जनसंख्या नीति की जरूरत है जो वास्तव में प्रभावी भी हो। रिपोर्ट के अनुसार 1950 में प्रजनन दर देश में 5.9 हुआ करती थी, लेकिन 2000 आते आते ये 3 से कुछ ज्यादा दर्ज की गई। 2018 में ये राष्ट्रीय औसत 2.2 पर पहुंच गया। अब देश में 19 राज्य ऐसे हो गए हैं जहां प्रति महिला बच्चा पैदा होने की औसत दर 2.2 पर पहुंच गई है। बिहार प्रजनन दर के मामले में 3.3 के साथ पहले स्थान पर है और यूपी 2.9 के साथ दूसरे स्थान पर, और अब योगी सरकार इसे राष्ट्रीय औसत 2.2 से भी नीचे यानी 2.1 पर पहुंचाने का लक्ष्य तय करने वाली है। 2000 से 2010 के बीच 10 साल में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बनाए गए। फिर भी इन राज्यों की आबादी में 20% की रफ्तार से वृद्धि दर्ज की गई, और यही गति उन राज्यों में भी पाई गई जहां ऐसे कानून लागू नहीं थे। उत्तर प्रदेश में भी उनमें से एक राज्य है, जबकि दूसरे राज्य हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ड्राफ्ट तो ठीक है, लेकिन आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले योगी आदित्यनाथ को देश के बाकी राज्यों के साथ साथ चीन की पॉपुलेशन पॉलिसी पर भी एक बार गौर जरूर करना चाहिए। चीन में अब तक ना तो वन चाइल्ड पॉलिसी चल पाई है और ना ही टू चाइल्ड पॉलिसी।
हालत ये हो चुकी है कि अब चीन की सरकार थ्री चाइल्ड पॉलिसी का रुख अख्तियार कर चुकी है। 1989 में चीन की सरकार ने अपने यहाँ एक बच्चे वाली नीति को सख्ती से लागू किया था। नतीजा ये हुआ कि 2010 में जहाँ आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 13.26% रही, 2020 में बढ़कर 18.7% हो गई। मतलब युवाओं की तादाद घट गई और काम करने वालों का टोटा पड़ने लगा। तमाम उपायों के बावजूद अब भी चीन में प्रजनन दर एक से आगे नहीं बढ़ पा रही है। युवा ही देश का भविष्य होते हैं और वे ही घट गए तो देश का क्या हाल होगा। उम्मीद है आगे बढ़ने से पहले योगी आदित्यनाथ के सलाहकार ऐसे दुष्परिणामों को लेकर उनके कम से कम एक बार आगाह जरूर करेंगे। ड्राफ्ट तैयार करने वाले उत्तर प्रदेश के विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिन A.N. मित्तल ने पिछले ही महीने BBC से बातचीत में कहा था, प्रदेश में जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। जनसंख्या कम होगी तो संसाधन लंबे समय तक चल पाएंगे और सरकार लोगों को बेहतर सुविधाएं दे पाएगी, चाहे वो शिक्षा हो या फिर राशन या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं। जस्टिस मित्तल की दलील ये भी रही कि अगर कोई जानबूझकर परिवार नियोजन के तरीके ना अपनाते हुए लगातार बच्चे पैदा करता है तो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी परिवार की होनी चाहिए। योगी सरकार भले ही जनसंख्या पॉलिसी को सर्वजन हिताय के तौर पर पेश करे, लेकिन लंबे अरसे से BJP नेताओं के जो बयान सुनने को मिलते रहे हैं वे खुद ब खुद सवाल उठा रहे हैं। बाकियों को छोड़ भी दीजिए तो 2015 में योगी आदित्यनाथ का ही बयान रहा कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जिसके चलते भारत में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ सकता है। साध्वी प्राची के बयान पर तो बहुत ही ज्यादा बवाल मचा था। विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में साध्वी प्राची ने किसी धर्म या समुदाय विशेष का नाम तो नहीं लिया था, लेकिन जो कहा उसके भाव समझने में शायद ही किसी को कोई मुश्किल हुई हो। ये लोग जो 35-40 पिल्ले पैदा करते हैं फिर लव जिहाद फैलाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता है, लेकिन मेरे बयान के बाद बवाल मच गया। लोगों ने मुझसे कहा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से विकास रुक जाएगा, पर मैं अपने बयान पर कायम रही। ऐसा कहना था साध्वी प्राची का। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आबादी की समस्या का जिक्र करते हुए बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट पर चिंता जाहिर की और कहा कि छोटे परिवार वाले देश के लिए योगदान कर रहे हैं और छोटे परिवार को देशभक्ति से जोड़ दिया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।